उस उसकी की हमद सतश जो इज़्ज़त और किबरियाई का लिबास पहने हुए है और जिसने इस लिबास को सिर्फ अपने लिए मखसूस कर रखा है और इसमें मखलूक का कोई हक नहीं और बंदों में से जो इज्ज़त किबरियाई का दावा करे तो अल्लाह ने उस पर लानत भेजी है उसने अपने मुकरबिन का इम्तहान लिया ताकि फ़र्तनी व आदिजी करने वाले और तकबर वरूर करने वाले अलग अलग हो जाएँ उसने कहा मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूँगा तो तुम उसके सामने अपने सर ख़म कर देना चुनाचे सब ने सीधा किया मगर इब्लीस के सिवा के उसे तकबर ने रोक लिया और उसने आदम की तख्लीक़ में मुकाबला किया और अपनी असल की वजह से आदम के सामने तासब बरता तो क्या तुमने देखा नहीं कि खुदा ने शैतान को उसके तकबर के बायस किस तरह रसवा कर दिया और उसकी सरबलंदी को कैसे गिरा दिया वो दुनिया में मरदूत ठहरा और आखिरत में उसके लिए भड़कती हुई आग होगी तो जो कुछ शैतान के साथ हुआ उससे इबरत हासिल करो उसका किया कराया अमल और सख्त रियाजत राय गां गई उसकी लंबी इबादत एक पल के तकबर से ज़ाय हो गई इसके बाद कौन है जो अल्लाह से बच जाए आसमान और ज़मीन वालों के लिए उसका फैसला यकसा है खुदा के बंदो डरो कि कहीं उस शैतान का मरज तुम में भी न फैल जाए और वो तुम्हें भी अपनी आवाज़ से बरंगेख्त न कर दे तुम पर अपनी फौज के पैदल और सवार न ले दौड़े और तुम्हारी म्यार खींचते हुए उस आग की तरफ न ले जाए जिसका अजाब दर्दनाक है खबरदार अपने नाम नहाद सरदारों की इताज से डरो खुदा की नमतों के मुमकिन न बनो उसके एहसान न भुलाओ और उन जलीलों के पीछे न लगो ये लोग शैतान के तर्जुमान हैं तुम गुज़री हुई मतक्बर कौमों के अहवाल से इबरत हासिल करो और ख़ुदा के गज़ब से डरो और मरने वालों की कब्रों से नसीहत और इबरत हासिल करो हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ज़ाहिरी शान शौकत न रखते थे वो बहुत कमज़ोर थे खुदा ने उन्हें भूख और मेहनत से आज़माया खौफ के ज़रिए से उनका इम्तहान लिया अल्लाह अल्लाह, ख़ुदा की नाफ़रमानी और जुल्म का बहुत बुरा नतीजा है आखिरत में और तकब्र गूर का हशर भी बहुत ख़राब है शैतान का जाल बहुत बड़ा और उसका फ्रेब बहुत फैला हुआ है इसके बाईस दिलों में जहर इस तरह फैल जाता है जिस तरह हलाक करने वाली बाद शमूम का असर ये न तो आलिम को उसके इल्म के बा छोड़ता है और न गरीब को उसकी फटी हुई चादर देख कर मुआफ़ करता है तुम उन अजाबों से बचो जो पहली कौमों पर उनकी बद आमाली के बायस नाजिल हुए बचो कि कहीं वैसे ही न हो जाओ गुज़रे हुए मोमिनों के हालात पर भी गौर करो तुम से पहले उनके कितने कड़े इम्तहान हुए उन्हें फिर और ग़ुलाम बना सख्त से सख्त सजाएँ दीं फिर जब अल्लाह ने देख लिया कि वो बर्दाश्त करने वाले हैं तो फिर उन बलाओं की तंगियों के उसने कुशाहश से बदल दिया जिल्लत की जगह उन्हें इज्जत अता की अमन उनके लिए ख़ास हो गया और खौफ उनसे दूर कर दिया गया फिर वो लोग हाकिम और इमाम बना दिए गए खुदाई अतियात इस हद तक पहुंचे जहां तक उनकी उम्मीदें भी न पहुंच सकती थीं गुजरी हुई बातें और माजी के वाकयात इसलिए होते हैं कि सबक लेने वालों के लिए इबरत का काम दें देखो जब उनके दोस्त जमा थे राय यकसा थी दिल मुतदिल थे हाथ एक दूसरे के साथ थे तलवारें एक दूसरे की मददगार थीं निगाहें गहरी और इरादा पुख्ता थे तो क्या वो लोग ज़मीन के मालिक न थे मगर जब इख्लाफा रूनुमा हुए उल्फत महब्बत ख़त्म हुई दिलों में मुआनसत बाकी न रही तो वो गिरोहों में बट गए लड़ने भिड़ने के बास मंतशिर और परागंदा हो गए तो फिर अल्लाह ने भी इज़्ज़त का लिबास उनके जिस्म से उतार दिया अपनी नेमतों की फरावानी को उसने रोक लिया और बस उनकी कहानियां ही बाकी रह गईं। देखो तुमने भी तो फर्मा और इताद की रस्सी को छोड़ रखा है अया में जाहिलियत के रसूम की तरफ लौट रहे हो इस्लाम से तुम्हारा ताल्लुक बरा नाम ही बाकी रह गया है और ईमान का सिर्फ निशान ही जानते हो जान लो और अच्छी तरह से जान लो कि अगर तुम इस्लाम की पनाह के सिवा किसी और पनाह में जाओगे तो फिर काफिर तुमसे लड़ेंगे तुम्हें मारेंगे और कत्ल करेंगे फिर न जबरील आएंगे और न मिकाइल न मुहाजिर यावरी करेंगे और नंसार मदद को पहुँचेंगे हाँ तुम तलवारों से मारे जाओगे उस वक्त तक कत्ल किए जाते रहोगे जब तक अल्लाह तुम्हारा फैसला न कर दे आए लोगो, सुनो तुमने रिश्ता इस्लाम को क़त कर डाला बाहम दुश्मनी के बायस इस्लाम की हदों को तोड़ दिया उसके आकाम पर अमल करना छोड़ दिया और फ़रज़ को मुर्दा बना दिया लेकिन मैं के रसूल खुदा के साथ करीब तरीन रिश्ता रखता हूँ इसे गवारा नहीं कर सकता जान लो कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि सितम शयारोंद शिकनों और ालिमों का मुकाबला करूँ और मेरे लिए यही वाजिब है तुम जानते हो कि मैंने कम सनी ही में अरब के बड़े बड़े सुरमाओं की गद्तनें झुकवा दी थीं तुम मेरी उस कदर व मंजिलत से भी वाकिफ हो जो मुझे रसूल खुदा की खेशी और बरदरी के बास हासिल है हजरत ने अहद तफूलियत में मुझे अपनी गोद में पाला अपने सीने मुबारक पर लिटाया और अपने गले से लगाया अपने बिस्तरे मुबारक पर मुझे अपने पहलू में लिटाया वो अपने जिसम अतर को मेरे बदन से मस करते थे अपनी चबाई हुई खुराक मेरे मुंह में डालते थे हुजूर ने मेरी गुफ्तार में कभी झूठ को न देखा और मेरे किरदार में खता और कजी कभी न पाई मैं हजरत के पीछे पीछे कदम ब कदम यूँ चलता था जैसे ऊँट का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है हर रोज़ मुझ पर हजरत के अखलाक का कोई न कोई नमूना आश्कार होता था और मैं उसकी पैरवी करता था लान नबूत से कबल हर साल हजरत एक माह गार हरा में रहते थे मैं आपको उस हालत में भी देखता था और मेरे सिवा और कोई ये मंजर न देख सकता था उस जमाने में इस्लाम किसी घर में न पहुँचा था मगर हजरत के घर में और वहाँ खुद हजरत उमनिम खदीजा और मैं उनमें तीसरा था मैं वही रसालत का नूर देखता था और नब्त की खुशबू सूंघता था और मैं उस जमात में से हूँ जिन्हें राय खुदा में मलामत करने वालों की मलामत का डर नहीं उन पर सिद्दीकीन की अलामतें जाहिर है और उनका कलाम अबरार जैसा है ये लोग रातों की चहल पहल और दिन का नूर हैं कुरान के सिलसिले से वाबस्ता और खुदा व रसूल की सुनत व शरीय को जिंदा करने वाले हैं ये न तो तकबर करते हैं और नी गलतकारी और फसाद भी नहीं करते इन लोगों के दिल तो जन्नतुल फिरदौस में होते हैं और जिसम इस दुनिया में नेक आमाल में मशगूल रहते हैं आए लोगों इस हालत में कि ज़िंदगी की आशाइश में हासिल है कुछ नेक अमल कर लो नाम आमाल खुले हुए हैं तोबा और बाज़ तभी कबूल हो सकती है गुनागारों को बुलाया जाता रहा है तमबीह की जा रही है कि बुरे कामों से बाज आ जाए और बदकारों खताकार को उम्मीद दिलाई जा रही है ताकि बदकरदारी का रास्ता छोड़ दे काबिल इसके कि किचराग अमल बुझ जाए और फुर्सत हाथ से निकल जाए और मदत मकर्रा ख़त्म हो जाए फिर तोबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और फरिश्ते आसमान पर तुम्हारे नाम आमाल लेकर पहुँच जाएंगे बस मौत से पहले आदमी को चाहिए कि अपने नफ्स से अपने लिए ज़िंदगी से मौत के लिए और नेस्ती से हस्ती के लिए गुजर जाने वाली चीज़ से बाकी रहने वाली चीज़ के लिए नतीजा हासिल करे दुनिया में ऐसे काम करे जो आखिरत में काम आए आगा हो जाओ तकवा इख्तियार करो और इसके सबब अपने आप को हलाकत से बचा लो दुनिया से दूरी इख्तियार करो आखिरत के मुश्ताक और शेख्त बन जाओ देखो उसे पस्त और हकीर न जानो जिसने परहेजगारी इख्तियार की और उससे बलन मर्तबा न जानो जिसे दुनिया ने ऊंचा कर दिया दुनिया की बिजली से बारिश की उम्मीद न रखो इसके मद्दा और सनागो की बातों पर कान न धरो। इसकी तरफ़ बुलाने वाले के पीछे न जाओ इसकी दरखश्चंदगी पर न जो इसकी आराइश हो ज़िबाइश से धोखा न खाओ क्योंकि इसकी बिजली में बारिश नहीं इसकी बातें झूठी हैं इसके अंवाल गारत हो जाएंगे और इसका हुस्न जमाल छीन लिया जाएगा ये दुनिया तो वो कस्बी है जो पहले तो अपने हुस्न जमाल से लोगों को अपनी तरफ़ माइल करती है और फिर मुँह फेर लेती है ये दुनिया वो सरकश घोड़ा है जो चलते चलते रुक जाता है और नाफरमानी करता है ये बहुत झूठी फिरेबी और जफाकार है राह हक़ से मुनरफ कर देने वाली और सीधी राह से हटा देने वाली ये तो एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होती रहती है यहाँ रहने वाले हरदम पाबरकब हैं और आगे जाने वालों से मिल जाने वाले हैं अपने मालो जर और ज़नो फ़रजन से जुदा होने वाले हैं इसके साथ चलने वाले नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं ये उन्हें कशा कशा हलाकत के गड़े में ढकेल रही है मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपनी मंजिल आखिरत के लिए अल्लाह से कुमक तलब करो और तकवा से रजाए खुदा की इल्तमास करो ये तकवा आज दुनिया में पनाह और सिपर है और कल क़्यामत में बहिशत का राह बर है दिस प्रोग्रामी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबादी